हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस समय गया के दौरे पर हैं। नीतीश कुमार ने गया में पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर रबर डैम का तोहफा दिया। इस डैम को बन जाने से फल्गु नदी में हमेशा पानी रहेगा। मान्यता है माता सीता के श्राप के कारण फल्गु नदी में पानी नहीं रहता था, लेकिन जब रबर डैम का काम पूरा हो जाएगा फल्गु नदी पानी से हमेशा लबालब रहेगी। बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता। इसलिए बाहर से जो भी पानी आएगा उसका अलग रहेगा, कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें पूरे तौर पर लगभग 324 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसमें हम लोगों ने इसके निर्माण में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की का है उसके तकनीकी सेवाओं का लिया। जब हम लोगों को मन में आया तो हम तो आज से नहीं, जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं और तभी से ना हम जानते हैं भाई, हम तो पहले भी जाते रहे, जब एमपी थे तब वहां जाते थे, केंद्र में मंत्री थे तब वहां जाते थे और हमको मालूम है कि वो बहुत अच्छा है इंस्टीट्यूशन। हमने इन लोगों को कहा कि वहीं से लोगों को, अब तो वो भी हो गए आईआईटी, लेकिन वही रुड़की वाले को भी बुलाइए और इंजीनियर्स लोग देख लेंगे और उसके बाद इसके बारे में क्या किस तरह से बनवाया जाए इन सब चीजों के बारे में वो सलाह देंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले 72 घंटे तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां, बिहार में अगले 72 घंटे अच्छी बारिश के आसार है। विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी बिहार में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि दक्षिणी बिहार में बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। आईएमडी पटना ने कई जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। आईएमडी के मुताबिक बिहार में अब तक 472 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बड़ी खबर देखिए, बिहार के गया में अक्टूबर तक शुरू होगी डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी रोपवे का काम, एजेंसी की खोज हुई शुरू। जी हां, गया के डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर 22 करोड़ रुपए से रोपवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। रोपवे निर्माण के लिए एजेंसी की खोज शुरू हो गई है। डोंगेश्वरी रोपवे की अनुमानित लागत 14.87 करोड़ रुपये, जबकि ब्रह्मयोनी रोपवे की अनुमानित लागत 7.54 करोड़ रुपये आकी गई है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने टेंडर निकालकर एजेंसियों से दोनों रोपवे के डिजाइन, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और संचालन से जुड़े काम के लिए निविदा आमंत्रित की है। इसके लिए 22 सितम्बर की अंतिम तारीख तय की गई है। इसी दिन तकनीकी निविदा खोली जाएगी। पर्यटन विभाग के वरीय अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर तक डोंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनने वाले रोपवे का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर बनेगा विक्टोरियल मेमोरियल पंडाल, नवरात्रि के लिए की जा रही है तैयारी। जी हां, पटना शहर में नवरात्र पूजनोत्सव के लिए माता की प्रतिमा व पंडाल बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। बोरिंग रोड चौराहा पर हर वर्ष पटना वासियों को थीम आधारित पंडाल, मूर्तियां और लाइटिंग देखने को मिलती है। इस बार बोरिंग रोड में कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल देखने को मिलेगा। इसके निर्माण के लिए कलाकारों की टीम को पश्चिम बंगाल के मधुपुर से बुलाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पंडाल 3000 वर्ग फीट में होगा। इसकी ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट होगी। पिछले कई सालों से पंडाल को देखने के लिए 10 से 12 लाख लोग आते रहे हैं। अगली बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पहले से और महंगा होगा बालू, नीतीश सरकार ने बंदोबस्ती दर दोगुना किया। जी हां, बिहार में बालू की कीमत पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली है। नीतीश कैबिनेट ने कल जो फैसला लिया है उसके बाद बिहार में बालू की कीमत बढ़नी तय मानी जा रही है। दरअसल सरकार ने अब बालू घाटों की बंदोबस्ती को लेकर कल एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था कि बालू घाटों की नीलामी 5 साल के लिए की जाए। साथ ही साथ बालू की मात्रा और घाटों की स्थिति को देखते हुए दर तय करने का भी फैसला किया गया है। कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है उसके बाद अब कई बालू घाटों की बंदोबस्ती दर में दोगुनी कर दी गई है। सोन नदी के अलावे क्यूल, फाल्गु, चानन और मोरहर नदी की बालू बंदोबस्ती दरें अब दोगुनी होगी।
पहले यह 75 प्रति घन मीटर के हिसाब से बंदोबस्ती होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 रुपये प्रति घन मीटर कर दिया गया है। बड़ी खबर, दशहरा दिवाली पर हेड स्पीच और भड़काऊ पोस्ट पर नीतीश सरकार सख्त, पुलिस को कड़ाई से निपटने के आदेश। जी हाँ, हेड स्पीच और हेड पोस्ट पर राज्य सरकार सख्त हो गई है। हेड स्पीच से सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यालय ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसमें पूछा गया है कि हेड स्पीच के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है। दशहरा और दीपावली पर हेड स्पीच और सोशल मीडिया पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की साजिश की आशंका है। इसको लेकर सभी थानेदारों को वायरलेस मैसेज से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सोशल साइट के हेड पोस्ट पर अंकुश के लिए किए जा रहे साइबर पेट्रोलिंग की व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दी है। साथ ही हर 15 दिनों पर इस संबंध में मुख्यालय को हो रही कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है। वहीं SSP जयकांत ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी तरह का हेड पोस्ट वायरल होता है तो ग्रुप एडमिन पर भी FIR दर्ज की जाएगी। सोशल साइट पर फेक अकाउंट को चिन्हित करने को लेकर भी मुख्यालय स्तर से साइबर सेल कार्रवाई करती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सभी कार्यालयों में कर्मियों के आने और खाने का समय तय, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सभी विभाग और कार्यालयों में आने जाने से लेकर खाना खाने का समय तय किया गया है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी किया है। अब कोई भी कर्मचारी समय से पहले ऑफिस से बाहर नहीं जा पाएंगे। जानकारी के अनुसार जिन कार्यालय और विभागों में सप्ताह में 5 दिन काम करने का प्रावधान है, उसमें कर्मचारियों को 9:30 बजे आना होगा। वहीं शाम 6 बजे जाने का समय निर्धारित किया गया है। वहीं महिलाएं 1 घंटे पहले यानी 5 बजे जाने का समय निर्धारित होगा। इस कार्य अवधि के दौरान दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच का समय होगा। वहीं जिन कार्यालय में सप्ताह में 6 दिन काम करने का प्रावधान है, वहां पर कर्मचारियों को 10:00 बजे से 5:00 बजे तक काम करने का समय रहेगा। इस कार्य अवधि में दोपहर 1:30 से 2 बजे तक भोजन अवकाश का समय होगा। इन कार्यालयों में नवंबर से फरवरी तक का समय 10:30 बजे से 5:00 बजे तक होगा। बड़ी खबर, बिहार में जमीन खरीद बिक्री के नियम में सरकार ने किया बदलाव, मॉडल डेड को लेकर आया ये नया आदेश। यह संपत्ति निबंधन के लिए अब मॉडल डेड उपयोग करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। दस्तावेज निवेश अधिवक्ता अथवा मॉडल डेड में कोई भी विकल्प चुना जा सकता है। 1 सितंबर यानी आज से पटना, दानापुर, फुलवार, शरीफ, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में 100% मॉडल डेड से निबंधन का आदेश बीती 19 जुलाई को जारी किया गया था। बड़ी खबर, नीतीश सरकार में तेजस्वी फैक्टर, गाय भैंस की मौत पर पालकों को मिलेगा मुआवजा। जी बिहार में सरकार बदलने के बाद सरकारी नीतियों में भी बदलाव देखने को मिल रहा है और तेजस्वी सरकार का असर ऐसा है कि अब पशुपालकों को सरकार के स्तर पर एक बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। अब पशुपालकों को उनके पशुओं की प्राकृतिक मौत पर मुआवजा मिलेगा। खास तौर पर गाय और भैंस पालने वालों के लिए एक बड़ी राहत होगी। गाय और भैंस की मौत हो जाने पर हर पशु के हिसाब से 30,000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि एक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं का ही मुआवजा मिलेगा। इसी तरह घोड़ा बैल की मौत अप्राकृतिक तरीके से हो जाने पर 25,000, बछड़ा गधा की मौत पर 16,000 और भेड़ बकरी की मौत पर 3,000 रुपये दिए जाएंगे। महागठबंधन की सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर पशुओं की अप्राकृतिक मौत होती है तो ऐसी स्थिति में पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी खबर, बिहार के हर जिले में बनेगा मॉडल स्कूल, डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने किया ऐलान। जी हां, बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद से कैबिनेट के मंत्री लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। बिहार के हर जिले में एक मॉडल स्कूल की अविलंब स्थापना होगी। साल भर में मॉडल को व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा। परामर्श व सृजन के हर चरण में बच्चे, अभिभावक और अध्यापक भागीदार रहेंगे। अगली खबर में देखिए, 21 सितंबर को होगा सरस्वती BPSC PD का एग्जाम। 8 मई को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद सभी केंद्रों की परीक्षा की गई थी रद्द। जी हां, BPSC सरस्वती PD का परीक्षा 21 सितंबर को ही ली जाएगी। अभ्यर्थियों की मांग थी कि UPSC मेंस की परीक्षा को देखते हुए तिथि में बदलाव किया जाए, लेकिन आयोग ने तय किया है कि BPSC सरस्वती की PT परीक्षा 21 सितंबर को ही ली जाएगी। आपको बता दें कि इस परीक्षा को लेकर BPSC ने पहले कहा था कि अभ्यर्थियों की संख्या 6 लाख से अधिक होने की वजह से परीक्षा 2 दिन आयोजित
आयोजित की जाएगी और परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। पुलिस लाठीचार्ज भी इन्हें झेलना पड़ा। अभ्यर्थियों की मांग थी कि परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं किया जाए और परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में ली जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और परीक्षा एक ही दिन में एक ही पाली में ली जा रही है और इसमें परसेंटाइल सिस्टम भी लागू नहीं हो रहा है। बड़ी खबर में देखिए, 9 सितंबर से चलाई जाएगी प्रतिपक्ष स्पेशल ट्रेन। गया स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए बनेगा विशेष पंडाल। जी हां, गया रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं को रहने के लिए स्पेशल पंडाल का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, बिजली पानी स्वास्थ्य समेत अन्य सुविधा दी जाएगी। हर प्लेटफॉर्म पर लाउड स्पीकर भी लगाया गया है ताकि ट्रेनों की जानकारी श्रद्धालुओं के कान तक आसानी से पहुंच सके। आपको बता दें कि प्रतिपक्ष मेला 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए 2 जोड़ी प्रतिपक्ष स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जिसमें गाड़ी संख्या 01659 रानी कमलापति गया स्पेशल रानी कमलापति से 9, 14, 19 और 24 सितंबर को 1:20 प्रस्थान कर अगले दिन 8:30 गया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 01709 जबलपुर गया प्रतिपक्ष स्पेशल जबलपुर 16 व 21 सितंबर को जबलपुर से 7:45 प्रस्थान कर अगले दिन 8:30 गया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। के लिए बड़ी खबर में देखें, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन मिलेगा खास ऑफर। थिएटर जाना होगा सस्ता। 16 सितंबर को देश भर में केवल 75 रुपए में मिलेगा फिल्म टिकट। जी हां, 16 सितंबर को देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता के लिए खास ऑफर सामने आया है। दरअसल भारत के मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला किया है कि राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के दिन देश भर की सभी स्क्रीन के लिए केवल 75 रुपए ही चार्ज किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह सुविधा केवल आम मूवी थिएटर में ही नहीं बल्कि PVR, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, मिराज, कार्निवल और वेब समेत तमाम जगहों पर उपलब्ध रहेगी। अमूमन सिनेमा हॉल में फिल्म लुप्त उठाने के लिए 200 से 300 रुपए तक खर्च करने पड़ते जाते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग सिनेमाघरों तक जाने से बचते हैं। लेकिन अगर आप सस्ते दाम में अपनी फेवरेट फिल्म देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।